आज हम नर्सिंग एजुकेशन का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन, जिसको कि हम CBE भी कहते हैं। सी फॉर कॉम्पिटेंसी, बी फॉर बेस्ड और ई फॉर एजुकेशन, मीन्स ऐसी एजुकेशन जो कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड होती है। कॉम्पिटेंसी मीन्स एक आदमी की जो योग्यता होती है, उसके अंदर कॉम्पिटेंसी होती है, क्षमता होती है, उस पर बेस्ड है ये एजुकेशन। तो CBE इज़ एन अप्रोच, ये क्या है, एक अप्रोच है टू एजुकेशन, एजुकेशन के लिए एक अप्रोच है, दैट फोकस ऑन द स्टूडेंट्स डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ डिज़ायर्ड लर्निंग आउटकम एज सेंट्रल टू द लर्निंग प्रोसेस। तो इसमें लर्निंग प्रोसेस में फोकस किस पे होता है कि जो स्टूडेंट है उसकी जो डिज़ायर्ड लर्निंग आउटकम है वो मिल रहे हैं या नहीं, हम प्राप्त कर पा रहे हैं या नहीं। तो CBE इज़ एन अप्रोच टू एजुकेशन दैट फोकस ऑन द स्टूडेंट्स डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ डिज़ायर लर्निंग आउटकम्स एज सेंट्रल टू द लर्निंग प्रोसेस। तो इसमें मेनली क्या होता है, इट इज़ कंसर्न चीफली विद स्टूडेंट्स प्रोग्रेस थ्रू कैरिकुलम एट देयर ओन पेस एंड डेप्थ, उसकी जो खुद की पेस है और उसकी खुद की जो डेप्थ है उसके अनुसार वो जो कैरिकुलम में से होके गुजर रहा है लर्निंग एक्सपीरियंसेस के थ्रू, तो उसमें स्टूडेंट की प्रोग्रेस क्या हो रही है उसकी खुद की पेस और डेप्थ के अनुसार। इट इज़ सिमिलर टू मास्टरी बेस्ड लर्निंग, ये लगभग उसी तरह से है जैसे कि मास्टरी बेस्ड लर्निंग होती है, किसी चीज़ में मास्टर होना, किसी चीज़ में कॉम्पिटेंट होना, विद द प्राइमरी डिफरेंस बींग दैट कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग ऑफन फोकस ऑब्जर्वेबल स्किल और कॉम्पिटेंसीज। तो इसमें क्या होता है, जो लर्नर है उसकी प्राइमरी वो क्या होती है इसमें, कि वो किस पे फोकस होती है, ऑब्जर्वेबल स्किल जो है, जो वो देख पा रहे हैं, और जो उसकी कॉम्पिटेंसी है उन पे ही बेस्ड होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग इज इट्स फोकस ऑन मास्टरी। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग का मेन जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या होता है, की कैरेक्टरिस्टिक, कि वो मास्टरी पे फोकस होता है, किसी भी चीज़ में मास्टरी, किसी भी चीज़ में कॉम्पिटेंसी। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन इज दैट इट मेजर्स लर्निंग रादर देन टाइम, ये टाइम को मेजर नहीं करता कि कितने टाइम में लर्निंग हुई है, जबकि ये मेजर करता है कि लर्निंग कैसी हुई है। तो ये इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। देन इसका नेक्स्ट पॉइंट है, दे हैव मास्टर द नॉलेज एंड स्किल कॉल्ड कॉम्पिटेंसी, किस में मास्टर हो जाते हैं, नॉलेज में और स्किल में, जिसको कि हम कॉम्पिटेंसी कहते हैं, रिक्वायर्ड फॉर ए पर्टिकुलर कोर्स। जैसे कि नर्सिंग कोर्स की बात करें तो जैसे कि नर्सिंग कोर्स के लिए क्या क्या कॉम्पिटेंसी ज़रूरत है, वो नॉलेज और स्किल गेन करना। Then implemented effectively, CBE can improve quality and consistency, reduce cost, shorten the time required to graduate and provide us with true measures of student learning. तो यदि competence based education जो है वो effectively implement की जाए तो इसकी वजह से quality improve होती है, consistency improve होती है, जो इसमें कॉस्ट आती है वो रिड्यूस हो जाती है, टाइम इसमें कम लगता है ग्रेजुएट होने में, एंड ये क्या करती है, स्टूडेंट लर्निंग को सही मायने में लर्निंग प्रोवाइड कराती है, लर्निंग देती है। नेक्स्ट आते हैं पर्पस ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग या एजुकेशन क्या होते हैं, मेज़र स्टूडेंट लर्निंग रादर देन टाइम, स्टूडेंट की लर्निंग को मेज़र करती है ये टाइम के बजाय। कंप्यूटर मीडिएटेड इंस्ट्रक्शन गिव अस द एबिलिटी टू इंडिविजुअलाइज लर्निंग फॉर ईच स्टूडेंट। तो इसमें क्या होता है, कंप्यूटर मीडिएटेड इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिससे कि हम हर स्टूडेंट की इंडिविजुअलाइज जो लर्निंग है उसकी पर्टिकुलर व्यक्तिगत जो लर्निंग एबिलिटीज़ हैं उनको हम देख पाते हैं इसमें या हम दे पाते हैं। देन CBE शिफ्ट द रोल ऑफ फैकल्टी फ्रॉम दैट ऑफ ए सेज ऑन द स्टेज टू ए गाइड ऑन द साइड।
तो सीबीई क्या कर देता है, फैकल्टी के रोल को उसी तरह से कर देता है कि एक गाइड की तरह, या फिर ए सेज ऑन द स्टेज, एक गाइड की तरह वो काम करता है जो कि साइड से उसको लर्नर को सपोर्ट करता है. देन डिफाइन कॉम्पिटेंसीज एंड डेवलप वैलिड रिलायबल असेसमेंट. ये कॉम्पिटेंसीज को डिफाइन करता है कि किस तरह की कॉम्पिटेंसीज हमें आनी चाहिए एजुकेशन से, और डेवलप करता है वैलिड रिलायबल असेसमेंट. देन द बेनिफिट ऑफ सी बी ई हैव बीन रिकग्नाइज बाई पॉलिसी मेकर्स एंड इन्फ्लुएंसर इन हायर एजुकेशन. तो सी बी ई के जो बेनिफिट हैं वो रिकग्नाइज किए गए हैं, पहचाने गए हैं किसके द्वारा, पॉलिसी मेकर के द्वारा और इन्फ्लुएंसर के द्वारा. हायर एजुकेशन में ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है. देन सपोर्टिंग थ्योरी इज इंटेग्रेटेड विद स्किल प्रैक्टिस. इसमें थ्योरी और जो प्रैक्टिस है उसका इंटेग्रेशन होता है, वो आपस में एक दूसरे से संबंधित होते हैं, इंटेग्रेटेड होते हैं. तो सपोर्ट करता है थ्योरी को क्या, विद स्किल प्रैक्टिस. देन मेथड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व मास्टर लर्निंग. जो इसमें मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, मास्टर लर्निंग को प्रमोट करते हैं. देन पार्टिसिपेंट नॉलेज एंड स्किल आर असेस्ड एज दे एंटर द प्रोग्राम. जो पार्टिसिपेंट हैं इसमें उनकी नॉलेज और स्किल को असेस किया जाता है जैसे ही वो प्रोग्राम में इसमें सीबीई में एंटर करते हैं. हार्नेस द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर टीचिंग एंड लर्निंग. इसमें टेक्नोलॉजी की पावर का यूज़ किया जाता है किसमें, टीचिंग में और लर्निंग में. तो ये हो गए पर्पज़ ऑफ सीबीई. तो इनको वापस से देखते हैं हम पर्पज़. पहला, मेजर स्टूडेंट लर्निंग रादर देन टाइम. दूसरा, कंप्यूटर मीडिएटेड इंस्ट्रक्शन गिव्स अस द एबिलिटी टू इंडिविजुअलाइज लर्निंग फॉर ईच स्टूडेंट. तीसरा, सीबीई शिफ्ट द रोल ऑफ द फैकल्टी फ्रॉम दैट ऑफ ए सेज ऑन द स्टेज टू अ गाइड ऑन द साइड एंड डिफाइन कॉम्पिटेंसीज एंड डेवलप वैलिड रिलायबल असेसमेंट. Then the benefit of CBE have been recognized by policy makers and influencer in higher education. Then 6, supporting theory is integrated with skill practice. Then method of instruction involve mastery learning. Then participants knowledge and skills are assessed as they enter the program and harness the power of technology for teaching and learning. Then aata hai advantage of CBE. ये क्या है, ये फ्लेक्सिबल होती है. इसका लाभ ये है कि ये फ्लेक्सिबल होती है, पर्सनलाइज्ड होती है, इंडिविजुअलाइज बेस्ड होती है, स्किल बेस्ड होती है, स्किल को प्रमोट किया जाता है इसमें, कॉम्पिटेंसीज को. अफोर्डेबल होती है, कॉस्ट कम होती है, अफोर्ड कर सकते हैं. अचीव कॉम्पिटेंसीज, इसमें कॉम्पिटेंसीज को अचीव किया जाता है. बिल्ड कॉन्फिडेंस, और जैसे ही कॉम्पिटेंसीज अचीव होती हैं तो कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है. एंड सेल्फ पेसिंग, खुद जो लर्नर होता है उसकी पेस पे ही ये डिपेंड करती है. तो ये हो गए एडवांटेज ऑफ सीबीई, फ्लेक्सिबल, पर्सनलाइज्ड, स्किल बेस्ड, अफोर्डेबल, अचीव कॉम्पिटेंसीज, बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ पेसिंग. देन आता है मोड ऑफ सीबीई, क्या क्या मोड यूज़ किए जाते हैं सीबीई के लिए. तो ये हैं डाउनलोडेबल मोड, कैन डाउनलोड देयर लेसन नोट, खुद डाउनलोड कर सकते हैं. रीड ओनली मोड, रीड कर सकते हैं जो भी मटेरियल है. देन क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस, इंट्रैक्शंस होते हैं इसमें क्लासरूम में, जो आपस में टीचर और लर्नर के बीच में इंस्ट्रक्शन होते हैं. तो ये हो गए मोड ऑफ सीबीई. तो वापस से देखते हैं, डाउनलोडेबल मोड, रीड ओनली मोड एंड क्लासरूम इंट्रक्शन. तो आज का हमारा टॉपिक था सीबीई, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन. यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें.